नमस्कार आदाब, आप सभी का दरभंगा लाइव न्यूज में स्वागत करता हूँ। आज हम खड़े हैं दरभंगा के ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में इसलिए खड़े हैं कि यूनिवर्सिटी में आज बहुत खुशी का माहौल है। आप यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट में देख पाएंगे हमारे वीडियो में आगे जाकर कि खुशी का माहौल है। गुलदस्ता विशेष आपको दिया जा रहा है और भी सारी चीज़ें। खुशी का इसलिए बात है कि आज ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को B++ ग्रेड मिला है, और ये जानकर आपको खुशी होगा कि B++ ग्रेड बिहार के किसी यूनिवर्सिटी को नहीं मिला है, सिर्फ ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी को मिला है। इससे ये पता चलता है यहाँ की कार्यशैली कैसी है, यहाँ का पढ़ाई कैसा है, और इसको लेकर के आज बातचीत हम करते हैं विशेष आपसे। चलिए मिलते हैं उनसे। जितने कम समय में मिथिला विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने इतिहास रचकर जो मिसाइल कायम किया है, आज मिथिला ही नहीं वर्ण संपूर्ण बिहार के शैक्षणिक जगत में इनकी चर्चा हो रही है, और हो भी क्यों ना। ये माननीय कुलपति महोदय की दृढ़ इच्छा शक्ति और अथक प्रयास का ही नतीजा है कि मिथिला विश्वविद्यालय को नैक में B++ ग्रेड 2.78 अंक के साथ मिला, और इस मामले में बिहार के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में शामिल हो गया है। माननीय कुलपति महोदय का आधा कार्यकाल तो कोरोना के विषम परिस्थितियों में ही गुजर गया। उन्हें सही ढंग से कार्य करने का मौका तो महज 1.5 साल में ही मिल पाया। अगर उन्हें अपने पूरे कार्यकाल का 3 साल कार्य करने का मौका मिलता तो यकीनन आज मिथिला विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय के समक्ष खड़ा हो जाता। उक्त बातें मिथिला विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आनंद मोहन मिश्रा ने कुलपति को बधाई देने के बाद कुलपति कक्ष से बाहर मीडिया को संबोधित करते हुए कही। इस दौरान मिथिला विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर अजय कुमार पंडित, मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार बच्चन व परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मनोज कुमार मौजूद थे। बहुत मेहनत यहाँ के लोगों ने किया, विद्यार्थियों ने किया, टीचर्स ने किया, अधिकारियों ने किया, नॉन टीचिंग ने किया, सबके सहयोग से एक अच्छा मेहनत करके जो प्रदर्शन किया नैक के लिए, बहुत सुंदर प्रदर्शन किया। आज की तारीख में बिहार के पास, पटना यूनिवर्सिटी के पास केवल बी ग्रेड है, बाकी किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई ग्रेड नहीं है, और दरभंगा को B+ और A+ और B++ का ग्रेड मिला है। यानी बिहार में इसमें सबसे आगे यूनिवर्सिटी अगर कोई है तो दरभंगा है, जो नए ग्रेड के आधार पर। मैं धन्यवाद देता हूँ अपने सभी साथियों को, आगे और भी मेहनत की जाएगी जिससे ये और अच्छा ग्रेड मिल सके। ये बहुत साफ है, मेहनत से नहीं मिलता है। ये 5 वर्षों में जो काम हमने किया है, एक 2 वर्ष का नहीं, पिछले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय में जो काम हुआ, यानी ये दिसंबर 22 तक का डाटा था, तो 17 दिसंबर से 22 दिसंबर तक के बीच में जो भी माननीय कुलपतिगणों ने काम किया या रजिस्ट्रार ने काम किया, अधिकारियों ने काम किया, कर्मचारियों ने किया, हेड ने किया, डीन ने किया, 5 वर्षों का डाटा होता है। तो 5 वर्षों में मेरे हिस्से का केवल 20-21 और 21-22 था, बाकी 3 वर्ष का डाटा पुराना था। तो जाहिर सी बात है, 2 वर्ष के डाटे पर या 2 वर्ष के, मेरे 2 वर्ष के कालखंड में तो कोरोना भी था, 1.5 वर्ष बिल्कुल एक शुद्ध रूप से 1 वर्ष का कालखंड मेरा था, और इधर काफ़ी स्ट्रगल भी हम कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। तो जो ग्रेड मिला है विश्वविद्यालय को, वो बहुत अच्छा ग्रेड मिला है। ऐसी मेहनत लोग करते रहे, विश्वविद्यालय एक दिन बुलंदियों तक रहेगा, और मिथिला का जो नाम शिक्षा में पहले था, आज वो काफ़ी कायम हुआ है, स्थापित हुआ है। मिथिलावासियों को बधाई, विद्यार्थियों को बधाई इतनी सुंदर ग्रेड। देख रहे हैं बाहर में काफ़ी ज़्यादा युवा नेता और जो भी हैं बच्चे हैं काफ़ी खुशी मना रहे हैं, उनको क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ग्रेड अच्छा होता है तो जो भी विद्यार्थी पढ़ता है उसकी मार्कशीट जहाँ भी कहीं जाएगी तो क्रेडिट के साथ जाएगी कि इसने B++ ग्रेड के विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है, तो उसको लाभ मिलेगा, इसका उसकी डिग्री की मान्यता बनेगी, उसकी खुशी होगी, जहाँ भी जाएगा अच्छी निगाह से देखा जाएगा, आंका जाएगा कि पढ़ने वाला विद्यार्थी है ललित मिथिला विश्वविद्यालय का। अभी उपलब्धि है, ये सारी उपलब्धियाँ तो एक बेहतर कार्य प्रणाली और कार्यशैली का है नतीजा। यहाँ पर हम लोग वाइस चांसलर साहब जो हमारे माननीय कुलपति महोदय हैं, उनके देखरेख में, उनकी अगुवाई में, उनके मार्गनिर्देशन में एक बेहतर टीम बन करके लोगों ने काम किया है, और विश्वविद्यालय को अपना परिवार माना है, और उसी के तहत दिन रात एक करके हम लोगों ने यहाँ काम किया, जिसके कारण हम लोगों ने अपेक्षाकृत बेहतर अंक जो है सो हासिल किए हैं। जो उपलब्धि होनी चाहिए थी वो उपलब्धि के मैंने कुछ कमी के कारण वो उपलब्धि हासिल नहीं हो सका, जिसकी हम लोगों की उम्मीद थी और हम लोगों उम्मीद बांध रखे थे, परंतु
हौसला है, हौसला हमको हमने समाप्त नहीं किया है। पूर्व की अपेक्षा बेहतर अंक प्राप्त करके हम लोगों ने ग्रेड का अपग्रेडेशन किया है और यही अपग्रेडेशन होता चला जाएगा और आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय अच्छे ग्रेड हासिल भविष्य में करेगी। जी, नैक का जो B+ जो ग्रेड आया है उसके शुभकामना दिए हैं अपने युवा लोजपा की ओर से, दर्जनों साथियों के साथ जाके गुलदस्ता दिए हैं, बहुत खुशी के साथ दिए हैं। और बिहार में ऐसा नहीं यूनिवर्सिटी है, पहला यूनिवर्सिटी है जो B+ का रैंक लाया है। प्रदीप कुमार पासवान, युवा जिला अध्यक्ष, लोजपा रामदास।